मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके में नाइट कर्फ्यू का पालन करा रही पुलिस पर स्थानीय दबंगों ने हमला कर दिया। टीम इंचार्ज सब इंस्पेक्टर की वर्दी तक फाड़ डाली। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस से जबरदस्ती छुड़ा लिया। अपने आप को घिरता देख दरोगा को अपनी पिस्टल तक निकालनी पड़ गई। आरोपी युवक ने अपने घर की महिला को पुलिस के सामने करके अपना बचाव किया और फरार हो गया। काफी देर तक भी सड़क पर हंगामा होता रहा। इस घटनाक्रम को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल घटना रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कटघर थाने की चौकी दस सराय इलाके में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए चौकी पर तैनात दरोगा मयंक गोयल अपनी टीम के साथ निकले हुए थे। उसी इलाके में सड़क पर लगी भीड़ को हटाने का प्रयास किया तो कुछ युवक पुलिस से उलझ गए और हाथापाई पर उतर आए। पुलिस ने इनमें से दो युवकों को पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगी। तभी हंगामा शुरू हो गया। अजीम नाम के युवक ने दरोगा की वर्दी पर लगे स्टार तक उखाड़ दिए और अपने साथी की मदद से छूटकर भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे दरोगा भी हो लिए। इसी बीच अपने बचाव में उन्होंने पिस्टल निकाल ली, लेकिन इस बीच आरोपी युवक ने अपने घर की महिला को दरोगा के ऊपर धक्का देते हुए घर की ऊपरी मंजिल पर भाग गया। ये हंगामा काफी देर चलता रहा, जिसके चलते मौके पर खासी भीड़ जमा हो गई। ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। अब इस मामले में युवक पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर उनके साथ मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। आज शाम को थाना कटघर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोज एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें पूर्ण करी जाएगी।